मतलब मुझे ऑनेस्टली, मैं कल पहली दफ़ा निकली हूँ घर से. उससे पहले मैं कमरे में बंद थी और डाउन थी. लोगों ने ट्रोल बहुत किया, ये कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें की. कोई भी बेवकूफ़ रमज़ान के महीने में अपने ही प्रोफाइल से इस तरीके से, वो भी रमज़ान के महीने में, ऐसी कोई ख़बर पब्लिसिटी के लिए नहीं करेगा. जो हुआ अल्लाह ताला को पता है, मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे जो आसपास लोगों को ये बात पता है. मगर मुझे उससे ऑनेस्टली ऐसा फील हुआ, मैं मतलब मैं अभी तक मेंटली वो कहते हैं ना, नॉर्मल नहीं हुई. मतलब फैमिली, तुम्हारी फैमिली ने हाँ कैसे लिया हाँ इस मेरी चीज़ को? मेरी बहन का मैसेज आया था. वो पैनिक थी, वो सोकर उठी, तो उसने कहा कि यार, मतलब बकायदा गाली लेकर कि ये क्या है, यू नो, मतलब ये क्या, यू नो, इस तरह की चीज़ें हैं. मगर बाद में मैं फिर कुछ चीज़ों पर हंसी भी, बिकॉज़ जो लोगों के कमेंट्स थे ना, कमेंट्स नहीं, मतलब जो लोगों ने मुझे बताया कि लोग इस तरह से जो कॉल करके कह रहे थे, कोई कह रहा था कि डर के मारे कि हम सईदा को कॉल नहीं कर रहे इसलिए पता चले वहाँ मर्डर का केस ना हो और पुलिस हो तो हमें कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा, यू नो, इस तरह से. तो वो बाद में मुझे थोड़ा सा यार हुआ हमारे कि दिमाग में तो कुछ नहीं आया, मैंने तो तुम्हें कॉल कर दी थी. यकीन मानो हाँ, हमारा दिमाग तो उधर गया ही नहीं. मैंने भी कॉल की, मेरी टीम ने भी कॉल की, हमने हाँ, तो कॉल कर दी थी. रजा ने हाँ भाई के साथ, मतलब भाई के साथ फोन पर फिर उन्होंने कॉल की, उन्हें मैसेज किया. हाँ भाई को भी कॉल आ रही थी, लोग बकायदा घर के बाहर आए हुए थे, हाँ बकायदा एक एक करके लोगों के, और मैं लिटरली रो रही थी. मगर हाँ मुझे वो ऐसा सिचुएशन बन गई हुई थी, ऐसे जैसे सच में कुछ हो गया हुआ. मैं नो ऑलरेडी इतना पैनिक हुई हुई थी कि जब लोग आना शुरू हो गए, दरवाज़ा खोल कर मुझे आकर हग कर रहे हैं, फिर उसके बाद मनान आ गया, फिर उसके बाद पीपीपी तुम्हारी से अम्मी को तो पता नहीं चला? वो अच्छा, जब तक वहाँ रात थी हाँ US में, तो मैंने भाई को ये कहा, मैंने कहा आप कमरे में जाओ और कमरे में जाकर उनको कॉल करके, उठ के उठने से पहले उनको कॉल करके ये चीज़ बता दो. बता मगर उस दो. वक्त तक मेरा भाई या बहन अवेक थे, क्योंकि एक मेडिकल कर रही है, तो ऑब्वियसली वो सुबह सुबह उठकर, उसका जॉब भी होती है हॉस्पिटल में, तो वो पैनिक थोड़ा सा हो गए थे. तो भाई फिर उनको पता नहीं किन किन को बता रहा था, कहाँ कहाँ से कॉल्स आ रही थी, यू नो, तो उनको सबको, यू नो, काम डाउन करने की वो चीज़ कोशिश कर रहे थे. मैं तो सोकर उठी थी.